चलिए दोस्तों, लेकर आ गया हूँ आपके लिए और एक बेहतरीन वीडियो। जी हाँ दोस्तों, 30,000 की जो कैटेगरी होती है उसे फ्लैगशिप किलर कैटेगरी कहा जाता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा कैमरा हो, तगड़ा प्रोसेसर हो और बहुत ही अच्छी डिस्प्ले हो। तो इस पैंडेमिक के टाइम में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि 30,000 के अंदर के फोन कौन कौन से है। तो हमने सोच लिया कि क्यों ना इस सीरीज के ऊपर भी एक और वीडियो बनाया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 13,000। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और लास्ट में मैं बताने वाला हूं मेरा वर्डिक्ट। और जी हां दोस्तों, मुझे आपको गिव अवे की डिटेल्स भी बतानी है, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड करते हैं। एज यूजुअल दोस्तों, मिनिमम क्राइटेरिया 6 इंच की स्क्रीन होनी चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले होनी चाहिए, 4000 mAh की बैटरी होनी चाहिए, फास्ट चार्जिंग होना चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए क्योंकि दोस्तों सेल्फी और शॉर्ट्स का जमाना है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज होना चाहिए। परफॉर्मेंस की बात करो तो परफॉर्मेंस शुड बी गुड बिकॉज टॉक अबाउट फ्लैगशिप के लिए। जैसे हमेशा की तरह पांचवें नंबर का पहले बताऊंगा और पहले नंबर का लास्ट में, ताकि आपको सारे फोन्स के बारे में पता चले और आपको भी कमेंट करके मुझे बताना है कि ये रैंकिंग ओके है या नहीं। तो पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों OnePlus की तरफ से OnePlus Nord। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको मिलता है 6.44 इंच की 90Hz का FHD+ पंच होल डिजाइन वाला फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर विद गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। परफॉर्मेंस की बात करो तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर विद 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। इस फोन का एंटेंटु स्कोर है 3,15,000। कैमरा की बात करो तो इस फोन के रियर में आपको मिलता है 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप, जिससे आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और फ्रंट में देखने को मिलता है 32MP प्लस 8MP का ड्यूअल कैमरा सेटअप, उससे भी आप 4K रिकॉर्डिंग ले सकते हो। बात करें बैटरी की तो इस फोन में आपको मिलेगी 4115mAh की बैटरी विद 30W फास्ट चार्जिंग। और प्राइस के बारे में बात करो तो ये आपको 25 से लेके 30,000 में मिल जाएगा, वो भी अलग अलग वेरिएंट में। अब बात करते हैं इस फोन के माइनस पॉइंट की, तो इसका जो अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा है वो आपको डिसअपॉइंट करेगा, जो कि एक एवरेज कैमरा है। और इसका हेवी गेमिंग परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस है वो इतना बेस्ट नहीं। अब बात करते हैं गिव अवे की, तो इस वीडियो को देखकर 3 अलग अलग लोग जीत सकते हैं 1,000 rupees का पेटीएम कैश। उसके लिए आपको सिर्फ करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और बाकी सारे सोशल मीडिया को फॉलो करना है, और आपको कमेंट में बताना है इस रैंक में से आपका बेस्ट पिक कौन सा है विथ योर इंस्टाग्राम आईडी, ताकि हम लोग विनर को कॉन्टेक्ट कर सके। और बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पे आता है दोस्तों वीवो की तरफ से, जो कि एक लेटेस्ट फोन है, वीवो V21 5G। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको मिलता है 6.44 इंच 90Hz का FHD+ पंच होल डिजाइन वाला एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर विद गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। परफॉर्मेंस की बात करो तो MediaTek Dimensity 800U 5G प्रोसेसर विद 8GB रैम, 128GB स्टोरेज विद UFS 2.2 स्टोरेज के साथ। इस फोन का एंटेंटु स्कोर है 3,43,000। कैमरा की बात करें इस फोन के रियर में आपको मिलता है 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिससे 4K रिकॉर्डिंग 30fps पे कर सकते हो। और फ्रंट में देखने को मिलता है 44MP का सिंगल कैमरा, जिससे आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बात करें बैटरी की तो इस फोन में आपको मिलेगी 4000mAh की बैटरी विद 33W फास्ट चार्जिंग। और प्राइस के बारे में बात करो तो ये आपको 29,990 rupees में मिल जाएगा, जो कि वीवो V21 5G एक लेटेस्ट फोन है जो हमारे पास फिजिकल में नहीं आया है, तो आपको माइनस पॉइंट नहीं बता सकता। जैसे ही हमारे पास फिजिकल में आएगा उसके बाद में इसका माइनस पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। और याद रखिए दोस्तों, जो भी फोन्स मैं आपको बता रहा हूं उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके जरूर चेक कीजिए। तीसरे नंबर का जो फोन है दोस्तों वो है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F62। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको मिलता है 6.7 इंच 60Hz का FHD+ पंच होल डिजाइन वाला सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले विद साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर। परफॉर्मेंस की बात करो तो Exynos 98257nm बेस चिपसेट विद 8GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ। इस फोन का एंटेंटु स्कोर है 4,41,000। कैमरा की बात करो तो इस फोन के रियर में आपको देखने को मिलता है 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप, जिससे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और फ्रंट में देखने को मिलता है 32MP का सिंगल कैमरा सेटअप, इससे भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बैटरी की बात करो तो इसमें आपको मिलेगी 7000mAh की बैटरी विद 25W फास्ट चार्जिंग। और प्राइस के बारे में बात करो तो ये आपको 25,999 rupees में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन के माइनस पॉइंट की, तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले नहीं मिलेगा और
वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों अब दो ही फोन्स रह गए और दूसरे नंबर पे आता है रियलमी की तरफ से रियलमी X7 Pro। जी हाँ दोस्तों इस फोन के अनबॉक्सिंग की वीडियो हमने ऑलरेडी कर रखी है, जाके आप आई बटन पे चेक कर सकते हो। इस फोन में आपको मिलेगा 6.55 इंच 120Hz का FHD+ पंच होल डिजाइन वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसके आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर विद गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। परफॉर्मेंस की बात करो तो MediaTek Dimensity 1000 प्लस 7nm बेस चिपसेट विद 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ। कैमरा की बात करो तो इस फोन के रियर में आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, जिससे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और फ्रंट में देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा, जिससे आप 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बात करें बैटरी की तो इस फोन में मिलेगी 4500mAh की बैटरी विद 65W फास्ट चार्जिंग के साथ। और प्राइस के बारे में बात करो तो ये आपको 29,999 रुपीज में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन के माइनस पॉइंट की, तो स्नैपड्रैगन के कंपैरिजन में ये थोड़ा लो परफॉर्मेंस करेगा और इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी पुअर है। तो फाइनली दोस्तों नंबर वन का जो फोन है वो है वीवो की तरफ से वीवो IQ7। जी हाँ दोस्तों इस फोन में आपको मिलेगा 6.62 इंच 120Hz का FHD+ पंच होल डिजाइन वाला एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर विद गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। परफॉर्मेंस की बात करो तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 877nm बेस आर्किटेक्चर चिपसेट एंड एंट्रीनो 658GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। इस फोन का एंट्री स्कोर है 7,55,000, जो कि इन सारे फोन में से सबसे ज्यादा है। कैमरा की बात करो तो इस फोन के रियर में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिससे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और फ्रंट में देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप, जिससे आप HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बैटरी की बात करो तो इसमें आपको मिलेगी 44,000 mAh की बैटरी विद 66W फास्ट चार्जिंग, जो कि 22 मिनट में आपको 100% फोन चार्जिंग करके दे देगा। और प्राइस के बारे में बात करो तो ये आपको 30,000 के ऊपर 1,000 ऐड करके 31,000 में मिल जाएगा, और ऑफर्स वगैरह चल रहे हो तो 30,000 के अंदर भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन के माइनस पॉइंट की, तो इसमें आपको स्मॉल बैटरी कैपेसिटी मिलेगी और इंडियन मॉडल के कैमरा में 2x ऑप्टिकल जूम नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं मेरे वर्डिक्ट की, तो परफॉर्मेंस के पास देखोगे, बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस के पास देखोगे, तो पहले नंबर का जो फोन है वीवो IQ7, जो कि एक लेटेस्ट 5G फोन है और फ्लैगशिप किलर फोन है। इसमें आपको सभी तरीके के फीचर्स मिल जाएंगे, तो आप उसी के साथ जा सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी रैंकिंग? अगर आपके पास कोई और फोन हो जो कि इस रैंक में नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और जो भी फोन्स मैंने आपको बताया है उनको आपको फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी परचेस करने में आसानी रहे। और याद रखिए दोस्तों, जो भी फोन्स मैंने आपको बताया उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके आप जरूर चेक कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हेल्दी, स्टे सेफ।